आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने हैं GTA 5 की सीरीज को। एंड आज हम लोग करने वाले हैं फ्रैंकलिन का मिशन। एंड आप लोग सब लोग सोच रहे हो कि मैंने तीनों कैरेक्टर्स को सूट वूट क्यों पहना रखे हैं, लाइक मेरे को फॉर्मल्स बहुत अच्छे लगते हैं। जो प्रॉपर सूट होते हैं ना, ब्लैक या फिर कोई मतलब जो मेरे को पसंद आ जाए तो मैं वही नहीं पहना देता हूँ। मेरे को सच में लाइक ऑब्सेशन है सूट्स वगैरह से, एंड ब्लैक तो भाई साहब बहुत ही प्यारा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको भी पहना रखा है। एंड मैंने थोड़ा सा क्या किया है पता है गाइस आप लोगों को, मैंने मतलब तीनों कैरेक्टर्स की सप्रेस्ड गन्स वगैरह करवा दी है क्योंकि अब मिशंस वगैरह कुछ ऐसे ही आते हैं ना। Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. So, guys, आप लोगों ने देखा ही कि मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि मैंने weapons वगैरह upgrade करवाए हैं characters के। तो अब देखो इसीलिए काम आएगी चीज़ें, क्योंकि अब देखो assassination का mission है most probably ये वाला, एंड काफ़ी सारे लोगों को मानना है। तो यहाँ पे suppressed guns काफ़ी ज़्यादा important है, ठीक है, क्योंकि अब अगर हम लोग नॉइस करके मारेंगे तो लाइक क्राउड भी थोड़ी सी वो हो जाती है, एंड लाइक कॉप्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हम लोग जैसे दूर से साइलेंटली अगर स्नाइप कर दें लोगों को, देन हमें कोई इशू नहीं आती, ठीक है। ऑल टारगेट्स मस्ट बी एलिमिनेटेड इन द टाइम गिवन, ओके नो प्रॉब्लम। तो गाइस ये बंदा है जो जिम कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें ही इसे इसको मारना है। तो लेट्स ट्राई टू ओके, तो मार दिया हमने इस कैरेक्टर को भी। तो अब जल्दी से चलते हैं भाई साहब, कैसी बॉडी थी यार उसकी, एक एनीमे है पता है उसके जैसा लग रहा था बिल्कुल वो, लाइक नॉट अ एनीमे फैन बट स्टिल थोड़ी थोड़ी क्लिप्स वगैरह आ जाती है ना यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह पर, वहाँ पे देखा था मैंने। तो अब जल्दी से चलते हैं, दूसरे बंदे को मारते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, एंड इसीलिए बाइक लेने का डिसीजन सही लग रहा है और सही नहीं लग रहा मुझे। जल्दी उठ भाई, इतना मत कर, इतनी तो लगी नहीं है भाई साहब। जैसे ही मैं कुछ अच्छा बोलने जाता हूँ ना तभी कुछ ऐसा हो जाता है यार, पता नहीं यार हद हो गई भाई, पता नहीं अब कितने लोगों को मार दें, और 7 मिनट के करीब ही पड़ा है। जल्दी जल्दी मारूंगा भाई, छोड़ो साइलेंस वाइलेंस, बहुत ज्ञान वाली बातें कर दी, अब थोड़ा सा देसी स्टाइल में करना पड़ेगा सिस्टम। ये मैं भूल जाता हूँ पता, मैं फ्रैंकलिन के साथ हूँ, मैं इसका एबिलिटी यूज कर सकता हूँ ना, देख बिल्कुल यार मैं। चलो गाइस फिर मैं आ चुका हूँ, है भाई यार्ड पे कैसे पहुंच गया ये, चलो अच्छा हुआ स्नाइपर थी भाई, वरना काफी परेशान होना पड़ता अभी। Oh, man, one time. चलो तो तोड़ो, अबे टूटी नहीं कैसे यार, what the hell भाई shit, अबे इसमें भाई ये ऐसे टाइम वेस्ट करेगा तो बस फिर तो हो लिया मिशन अपना। पता नहीं कितनों बंदों को मारना है, एंड लाइक पुलिस भी अब ये साइलेंस वो नहीं से मारा था मैंने यार, ठीक है
अरे ऐसे कैसे? करना पड़ेगा यार, हद हो गई। बहुत दूर दूर टारगेट्स रखे हैं यार इन्होंने, काफी ज्यादा टाइम भी लग रहा है मुझे। आगे पुलिस है तो अपन इधर से कट मार लेते हैं। अरे यार अब भी होनी है सारी चीजें मेरे साथ। चलो अबे ये क्या सीन है? इसमें मैं अंदर कैसे जाऊंगा यार? Just get by. भाई यार हद हो गई। ऐसे खतरनाक इन्होंने टारगेट्स रखे हैं कहाँ कहाँ पे, अलग ही छुपा हुआ पाके। एंड लाइक तेरे चाहते हैं कि इतने लिमिटेड टाइम पे कंप्लीट हो मिशन, कैसे भाई? सारे मुझे बैठ भाई, जल्दी बैठ यार, 3.5 मिनट बचे हैं, पता नहीं कितने टारगेट्स। अबे यार ऐसी हरकतें ही तो नहीं सही लगती मुझको। जल्दी बैठ, बाइक लेने का भी कोई फायदा नहीं भाई, गिर जाता है ये तुरंत। यार कहाँ से बे, नहीं होगा मेरे को लगता है कंप्लीट टाइम पर। इतना दूर रखा है इन्होंने टारगेट को। उस ऊपर वाले बंदे ने ज्यादा टाइम वेस्ट किया पता है, उसको कौन जज करेगा बताओ? ऐसे बिना मतलब वो ऐसी जगह पे बैठा होगा पागलों की तरह। व्हाट द हेल, तो टारगेट मूव कर रहा है। ये लास्ट वाली किल बहुत अच्छी थी। वेरी गुड, आई विल बी इन टच। भाई ये बहुत अच्छा मिशन था, बहुत ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा पता है सच में। मतलब ये जो इतने डिफरेंट लाइक टारगेट्स थे ना, और ये बाइक वाला भी लाइक लास्ट वाले को इजीली मार दिया, बट ये काफी डिफिकल्ट हो सकता था अगर बाई चांस अगर मैं मिस करता और ये स्पीड बढ़ा देता ना, तो काफी लाइक एक्साइटिंग मिशन था। सबसे वर्स्ट वाला टारगेट मुझे वो लगा जो वो ऊपर बिल्डिंग साफ कर रहा था। अरे भाई अगर वो इतना अफेक्ट कर रहा है चीज़ों को देन मतलब
कोई बड़ा आदमी होगा ना ऑब्वियसली, अब ये जो खिड़कियाँ विड़कियाँ साफ कर रहे हैं ये थोड़ी इतने बड़े बिजनेस को अफेक्ट कर पाएगा ना, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। किसी का भी शक नहीं जाता उस चीज़ पे, ठीक है, बट चलो ठीक है, अपन ने कर लिया टाइम पे कंप्लीट, थोड़ा और भी ज़्यादा जल्दी कर सकते थे। एंड यही ख़त्म होता है गाइस हमारा ये वाला मिशन, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड जाते जाते भाई क्या ही देखने को मिल रहा है, उड़ रहा है फ्रैंकली।